किसानों के आक्रोश ने एक बार फिर केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। पंजाब से हरियाणा तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक किसानों के आंदोलन से केंद्र समेत यहां की सरकारें टेंशन में आ गई हैं। एमएसपी कानून और कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब से निकले किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है, जिसके लिए रोज सुरक्षा बलों को सख्ती दिखानी पड़ रही है। ऐसे में हिसार के खनौरी में हुए किसान और पुलिस की झड़प ने आक्रोश की इस आग में घी डालने का काम किया है। हिसार की इस घटना ने किसान आंदोलन का रुख ही बदल दिया। पहले तो किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च पर रोक लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं कि 29 फरवरी तक किसानों का आंदोलन शांत रहेगा। किसानों ने ऐलान किया है कि 29 फरवरी तक हर रोज नए नए तरीके से सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। 25 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों को विश्व व्यापार संगठन की नीतियों से अवगत कराया जाएगा। फिर 26 फरवरी को पूरे भारत के गांव-गांव में केंद्र सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। 27 फरवरी को एसकेएम और केएमएम किसान संगठनों की अहम बैठक होगी। फिर 28 फरवरी को एसकेएम और केएमएम एक मंच पर आकर आगे की रणनीति बनाएंगे और आखिर में 29 फरवरी को इस बात का ऐलान होगा कि किसान आंदोलन के आगे की रणनीति क्या होगी। 26 को WTO की बैठक हो रही है, उस बैठक को आधार बनाते हुए हम 25 तारीख को दोनों मोर्चों के ऊपर WTO क्या चीज है, कैसे हमारे देश के ऊपर वो प्रहार कर रहा है, किस तरीके से वो हमारा नुकसान कर रहा है, ये पूरी की पूरी जानकारी एक तरह की स्कूलिंग हमारे नौजवानों के लिए, हमारे किसानों के लिए वो सेमिनार करवाएंगे। और 26 को हमारा प्रयास होगा कि हम पूरे देश के अंदर WTO के हर गांव में पुतले दहन किए जाएंगे और इधर यहां दोनों मोर्चों के ऊपर हम कम से कम 20-20 फुट ऊंचे WTO के, कॉर्पोरेट्स के और आज की इन सरकारों के एक साथ एक बड़ा 20 फुट ऊंचा पुतले बनाकर इधर भी और उधर भी जलाए जाएंगे। 27 तरीक नू जिवें SKM गैर राजनीतिक ते किसान मजदूर मोर्चा KMM अपने फोरमा दी मीटिंग बड़ी चर्चा करूगा, देश लैवल दीआं सारीआं जथेबंदियां सदियां जाणगियां अपने बॉर्डर वास्ते। और इहदों का 28 तरीक नू जिहड़ा वा उह असीं दोवां फोरमां दी सांझी मीटिंग करांगे भी की आ की करना चाहीदा। ते 29 तरीक नू अगला ऐलान होगा भी अगे मोर्चे दी की पोजीशन रहन वाली हैगी आ। बता दें कि शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर पर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद किसान भी भड़क गए और पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पूरे इलाके में संग्राम छिड़ गया। इस झड़प में एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत हो गई, जबकि 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गौरतलब है कि इस आंदोलन में अब तक करीब 4 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। उधर सरकार के साथ भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन ये सभी वार्ता बेनतीजा ही रही है। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अपना डेरा जमाया हुआ है, वहीं से अपनी मांग को लेकर किसान सरकार पर दबाव बना रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत भी काफी एक्टिव हो गए हैं और यूपी की ओर दिल्ली पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में ये तो तय है कि आंदोलन अभी और लंबा चलने वाला है और कहीं न कहीं चुनावी माहौल में किसानों के आक्रोश से सरकार टेंशन में दिखती नजर आ रही है।